हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल एम लक्की पांडे। सो एक लास्ट वीडियो डाली थी हमने कट ऑफ रैंक को लेकर, जिसमें हमने थोड़ा सा डिस्कस कर पाए थे हम वैकेंट सीट पोजीशंस को लेकर जो एम्स नॉर्थ से 2021 से रिलेटेड था। सो आज हम उसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, क्या है, किस एम्स में कितनी सीट रह गई है, कितने बच्चे क्या चांसेस बनते हैं, सेकेंड राउंड काउंसलिंग में कितने बच्चों का एलोकेशन हो पाएगा, कितने बच्चों को सीट्स मिल पाएगी, और जो भी आपके क्वेश्चन थे जो आप क्वेरी लेकर आ रहे थे ऑप्शन टू को लेकर, डॉक्यूमेंट्स को लेकर, हम वो सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए एक बार बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं किस एम्स में कितनी सीट्स वैकेंट रह गई हैं। चलिए, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, अगर एम्स भटिंडा की हम बात करते हैं तो उसमें एक सीट रहती है जो कि एम्स बिलस क्या बोलते हैं यू आर मेल की। अगर हम यू आर मेल पीडब्ल्यूडी की कैंडिडेट की बात करें तो उसमें क्या बोलते हैं, काफ़ी सीट्स हैं यहाँ पे एम्स में, जैसे कि एम्स भटिंडा में एक सीट है, भोपाल में टू है, भुवनेश्वर में वन है, देवगढ़ में वन है, गोरखपुर में टू है, और सबसे ज़्यादा एम्स न्यू दिल्ली में है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस बार सबसे ज़्यादा डिमांड पर है एम्स जोधपुर। एम्स जोधपुर के अंदर जो भी सीट्स हैं सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ एम्स जोधपुर में ही गई है। इस बार सबसे टॉप पे एम्स दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है। अगर हम यू आर क्या बोलते हैं फीमेल पीडब्ल्यूडी की बात करें तो एम्स भटिंडा के अंदर सिक्स हैं, एम्स भोपाल के अंदर सिक्स हैं, एम्स भुवनेश्वर के अंदर फाइव हैं, एम्स भिमकिन के अंदर वन है, बिलासपुर के अंदर नहीं है, देवगढ़ के अंदर टू हैं, गोरखपुर के अंदर एट है, जोधपुर के अंदर भी एट हैं, और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा सीट्स एम्स नागपुर में और सॉरी एम्स न्यू दिल्ली में 17 सीट्स हैं यू आर मेल पीडब्ल्यूडी की। अगर फीमेल कैंडिडेट्स की, हाँ सॉरी, यू आर फीमेल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की, यू आर की हम टोटल अगर सीट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा एम्स क्या बोलते हैं नागपुर में, एम्स न्यू दिल्ली में और एम्स पटना की पटना में है। ओबीसी मेल की कोई भी सीट नहीं है, ओबीसी मेल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की एक सीट है, ओबीसी फीमेल पीडब्ल्यूडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ओबीसी टोटल सीट्स बात कर लेते हैं हम, एम्स भटिंडा में 5 सीटें हैं, एम्स भोपाल में 3 हैं, फिर यहाँ पे भुवनेश्वर में भी 3 हैं, क्या बोलते हैं बिलासपुर में नहीं है, एम्स गोरखपुर में 6 हैं, जोधपुर में भी 6 हैं, क्या बोलते हैं मंगलागिरी में भी क्या बोलते हैं 3 हैं, और नागपुर में 2 हैं, एम्स न्यू दिल्ली में 10 सीट्स रह गई हैं, रायपुर में 3 हैं। एससी में कोई सीट्स नहीं है, एससी फीमेल में भी कोई सीट्स नहीं है, एससी मेल भी पीडब्ल्यूडी की है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो सीट्स रह गई हैं वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की रह गई हैं। सो ये अब एम्स डिसाइड करेगा कि उनकी जो ये सीट्स रह गई हैं सेकेंड राउंड के लिए जाएंगी, या फिर जैसे कि कैंडिडेट होता है, जैसे कि यू आर पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट है तो उसे क्या बोलते हैं अनरिजर्व कैटेगरी का है तो उसे अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर डालेंगे वो नहीं डालेंगे, वो एम्स डिसाइड करेगा क्या है। जैसे कि देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी के चीज़ें हैं, अनरिजर्व कैटेगरी पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स हैं उसमें सीट्स रह गई है, मोस्टली सीट्स पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से रह गई है। तो अब ये एम्स डिसाइड करेगा क्या उसे रिजर्व कैटेगरी में डालता है या नहीं डालता। बेसिकली अगर देखा जाए तो ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी में इतनी कोई ज़्यादा सीट्स रहती नहीं है, तो अगर वो सेकेंड राउंड के लिए जाता है और वहाँ पर भी रह जाती है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स नहीं ले पाते हैं तो वो शायद वो नेक्स्ट ईयर नॉसेट के लिए चली जाएंगी, फिर वहाँ पे जाके वो सीट्स को फिल किया जाएगा। सो ये आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो टोटल एसटी की बात कर सकते हैं हम, एसटी ओबीसी की हमने बात कर ली थी, एसटी की बात करें तो कुछ ज़्यादा सीट्स नहीं है, 1113 रह गई है जो कि जोधपुर के अंदर है, ईडब्ल्यूएस फीमेल के अंदर नहीं है, मेल पीडब्ल्यूडी नहीं है। अगर हम ग्रैंड टोटल की बात करें, देखिए एम्स भटिंडा के अंदर 18 सीट्स हैं, भोपाल के अंदर 14 सीट्स हैं और भुवनेश्वर के अंदर 12 सीट्स हैं, बिलबी नगर के अंदर 3 हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं तो एम्स जोधपुर के अंदर है 27 सीट्स हैं, ठीक है, और उसके बाद आता है एम्स न्यू दिल्ली जिसके अंदर 44 सीट्स हैं। टोटल अगर हम बात कर लेते हैं यू आर मेल फीमेल ओबीसी एससी कैटेगरी सारी चीज़ों को मिलाकर, सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं कि सेकंड राउंड की काउंसलिंग में मोस्टली जो बच्चे रह गए हैं एक दो क्या बोलते हैं सीट से, तो उनको बहुत सीट्स मिल जाएंगी। सो होपफुली सेकेंड राउंड बहुत जल्दी से हुई।
अब मैं काफ़ी बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि मैम हमें ऑप्शन वन चूज़ करना चाहिए या फिर ऑप्शन टू चूज़ करना चाहिए, तो मैं आप सबको ये बता दूँ, देखिए अगर आपको वो एम्स मिला है जो आपके घर के थोड़ा पास में है, ठीक है, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप मत चूज़ करिए, बिकॉज आपके वो घर के पास में भी रहेगा। वैसे दो बातें हो सकती हैं, देखिए हर किसी की सिचुएशन अलग अलग हो जाती है, हर किसी के केसेस अलग अलग होते हैं, तो हम नहीं कह सकते, आप अपने अकॉर्डिंग एक बार देख लीजिएगा। बाकी मैं अपने व्यूज़ इस पर बता दूँ, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप ये लीजिए या फिर मेरी बात को ही मानिए। मैं आपके सामने, आप जो आपने प्रॉब्लम मेरे सामने रखी है, मैं उसमें अपना व्यूज़ दे रही हूँ, बस इट्स जस्ट दैट। और क्या बोलते हैं, अगर आपको वो एम्स मिला है जो आपके घर के पास में है, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप बिल्कुल भी मत सोचिए। इसमें देखिए दो कंडीशन हो सकती है, या तो फिर आप चूज़ कर लीजिए, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है या फिर 8 से लेकर 10 आवर्स तक का डिस्टेंस कवर करना, तब भी इट्स ओके, फाइन भाई, एम्स है, एम्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इतना तो देखिए आपको करना पड़ेगा, थोड़ा घर से बाहर निकलना पड़ेगा, तो उसमें कोई ऑप्शन वाली बात नहीं है। अगर बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है आपको, क्या बोलते हैं, बिकॉज सेकेंड राउंड का जो रिज़ल्ट आने में भी, पूरा प्रोसेस शुरू होने में, कम से कम अगर हम लास्ट ईयर का स्टेटस देखते हैं तो 8 से लेकर 10 मंथ्स लग जाते हैं, ठीक है। शायद पिछली बार कोविड था, इस वजह से भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। अगर इस बार के लिए हम माने मैक्सिमम टाइम लेके चलते हैं, बिकॉज थोड़ा कोविड अब थोड़ा माहौल ठीक हो गया, सब कुछ ऑफलाइन शुरू हो गया है, अब अगर हम माने तो मान सकते हैं 4 to 5 मंथ लग जाएंगे, पर इतना भी लगेगा। अगर आप उतना वेट कर सकते हैं 4 to 5 मंथ, 8 से लेकर 10 मंथ्स तक का, तो आप ऑप्शन सेकंड चूज़ करिए। देखिए पर क्या बोलते हैं, ये भी है, थोड़ा चांसेस है, शायद क्या पता आपको जो एम्स अभी अलॉट करा है आपको 8-10 मंथ्स के बाद अगर सेकेंड राउंड का रिजल्ट आता है तो आपको वही एम्स मिलता है। तो प्लीज़ मैं आपको ये बोलूँगी, थोड़ा सोच समझ के अपनी कंडीशन को, अपने सारे एंगल्स को, अपनी फैमिली को देखकर सारी चीज़ें, तब ऑप्शन चूज़ करिए, ऑप्शन वन चूज़ करना है या फिर ऑप्शन टू चूज़ करना है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, देखिए अगर आपके घर के पास में है या फिर थोड़ा 8 या 10 आवर्स का डिस्टेंस है, तो फिर प्लीज़ आप इतना मत करिए, आप जो एम्स मिला है आप चूज़ करिए। वरना बहुत ज़्यादा आपको लाइक नीड है कि नहीं भाई मुझे अपग्रेडेशन चाहिए, मुझे देखना है, क्योंकि चांसेस बहुत कम है कि आपको सेकेंड राउंड में भी कोई अपग्रेड एम्स मिल जाए आपको, ठीक है। तो अगर उसके बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं आपके, तो प्लीज़ आप ऑप्शन टू चूज़ करिए। वरना मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप ऑप्शन वन में अपनी सीट लीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, बहुत अच्छे से सारे डॉक्यूमेंट्स करवाइए और फटाफट से अपनी ज्वाइनिंग लीजिए, बिकॉज ये प्रोसेस होने में भी 2-3 महीने लग जाएंगे। पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं, अभी 14 तारीख तक की डेट है सारे अपलोड्स करने के, आपको जैसे सबको पता है। उसके बाद फिज़िकली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद क्या बोलते हैं, लिस्ट आएगी एलिजिबल नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके, तो उसमें से बच्चे छटने वाले हैं, उसमें से भी काफ़ी बच्चे निकलेंगे, जो फिर सेकेंड राउंड में उनको क्या बोलते हैं, सारी कंबाइन करके सीट्स निकाली जाएंगी और फिर सेकेंड राउंड की सीट्स को अलॉट किया जाएगा, फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसमें भी जो रह जाते हैं बच्चे उनको एक अलार्म दिया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर। अगर उनका तब भी नहीं होता जो वो सीट से, फिर वो अगले साल के लिए रख दिया जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाने। अगर बात करते हैं हम अभी फर्स्ट सीट अलोकेशन की, तो जैसे कि आप सबको पता है कि जो 14 तक आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो मैं आपको यही बोलूँगी प्लीज़ सारे डॉक्यूमेंट्स को ढंग से एक बार अपलोड करने के बाद दोबारा चेक कर लीजिएगा कि आपके ही डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि कई पिछले साल क्या हुआ था, कई कैंडिडेट्स ऐसे थे जो मतलब खोल के वो देख रहे थे अपलोड करने के बाद, उन्होंने एक बार प्रीव्यू करने की कोशिश करी तो वो देख रहे थे कि काफ़ी लोगों के किसी और का डॉक्यूमेंट्स दिख रहा था। तो प्लीज़ आप उसको जाके, पेंसिल आइकन होता है वहाँ पे, जाके एक बार चेंज कर लीजिएगा और दोबारा अपलोड आप कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी दिक्कत आ रही है तो सारे डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से अपलोड कर दीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम आती है प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम जल्द से जल्द वो करने चाहिए। 14 तारीख बहुत ही जल्द आ गई है, आज आपकी 12 तारीख हो चुकी है, तो मैं आपको प्लीज रिमार्क एक बार रिमाइंडर दे देती हूँ, हमने सारे डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से करवा दीजिएगा, बिकॉज आगे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप रह ना जाएं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, हमने अपने चैनल पे वीडियो डाल रखी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं अपनी प्रॉब्लम जो भी है, कोई भी क्वेरी आ रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आप हमें इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी वहाँ पे भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
तो ये था सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो 14 तारीख के बाद आपका जो फिज़िकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपका जो एड्रेस प्रूफ के लिए जो आपने एड्रेस डाला हुआ है वहाँ पे आपका जॉइनिंग लेटर आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, काफ़ी लोगों को डाउट्स तो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। तो आज अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ इस वीडियो को हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ 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 इसको शेयर करें और लाइक्स करें। और भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए, थैंक यू।